guys, this is me Ankita and welcome to my channel AC Edu Hub. So today we are going to start the chapter 3 of India People and Economy, that is Human Development. So bina kisi deri ke chaliye apne study desk ki taraf chalte hain and padhte hain is chapter ko. Hello guys, तो आ गए हैं हम अपने स्टडी डेस्क की तरफ और आज हम पढ़ने जाएंगे चैप्टर 3 ऑफ दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. सो ह्यूमन डेवलपमेंट की एक बहुत बेसिक डेफिनेशन दे रखी है शुरुआत में ही आपके बुक में, वो ये कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम विच इज ऑफन एसोसिएटेड विथ मॉडर्नाइजेशन, लेजर, कम्फर्ट एंड एफ्लुएंस. बट क्या आपको समझ आया कि डेवलपमेंट का मतलब फ्रीडम ऐसा क्यों बोला गया है यहाँ पे? तो देखो, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता एंड डेवलपमेंट का तो आपको मीनिंग पता ही होगा कि डेवलप होना, कुछ मॉडर्न होना. तो यहाँ पे जो फ्रीडम है ना, उसका जो वर्ड, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा गहरा है. कैसे? अब ये चैप्टर तो है ह्यूमन डेवलपमेंट, बट यहाँ पे डेफिनेशन किसकी दी गई है? डेवलपमेंट. एंड आपको ये भी मैं बता दूं कि दोनों जो टर्म है अलग अलग है बट रिलेटेड है एक दूसरे से. तो पहले डेवलपमेंट को समझते हैं, डेवलपमेंट है क्या. अब डेवलपमेंट मतलब फ्रीडम तो कह दिया, बट फ्रीडम क्या, किससे फ्रीडम? तो फ्रीडम मतलब वो कि अगर आपको फ्रीडम हो अपनी डिसीजन लेने का, अपने करियर चूज करने का, या फिर आपको फ्रीडम मिले कि आप पढ़ाई कर सको, आप अपने पैरों पे खड़े हो सको, अपने मर्जी के कपड़े पहन सको, डिसीजन ले सको, तो उसे कहेंगे हम फ्रीडम. एंड इस फ्रीडम का मतलब क्या होगा? डेवलपमेंट. अब देखो, हम जो डेवलप कंट्रीज कहते हैं वो कौन से होते हैं? ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब यूएसए हो गया, यूके हो गया, ठीक है, यूरोप के बाकी जो कंट्रीज है उसको हम डेवलप कंट्री कहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है. और यहाँ पे उल्टा और दो तीन टर्म्स दे रखे हैं, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, लेजर, कम्फर्ट एंड एफ्लुएंस. अब मॉडर्नाइजेशन भाई क्या है? मॉडर्नाइजेशन मतलब जैसे आप देखते हो, अगर आप कहते हो कि देखो भाई कोई शहर डेवलप हो रहा है, तो सब क्या कहोगे? जैसे कुछ नया आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, मॉडर्न आ रहा है. जैसे पहले कैसे थे मकान, अलग टाइप के होते थे, अब कैसे हो रहे हैं बड़े बड़े मकान, बहुत सारे फ्लोर्स हो रहे हैं. पहले क्या होता था, छोटे घर होते थे, कच्चे घर होते थे. तो अभी क्या हो रहा है, शहरों में बड़े बड़े घर बन रहे हैं, फैक्ट्रीज अलग टाइप की, हाईटेक फैक्ट्रीज अलग टाइप की. तो ये सब क्या है? मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ और एक चीज़ जो आती है, लेजर. लेजर मीन्स आराम या फ्री टाइम आप कह सकते हो, लेजर आती है. जैसे मॉडर्न हो रहा है कंट्री, जैसे वॉशिंग मशीन आ गया या फिर फ्रिज आ गया, तो उससे क्या हुआ, लोगों की जो पेन है वो कम हो गई. लोग जो काम 2 घंटे में करते थे वो अभी उनको 1 घंटा ही लग रहा है. तो जो टाइम है वो बच रही है, साथ में कम्फर्ट आ रहा है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि जो भी काम है वो मशीन्स कर लेती है, इसलिए काम भी कम हो गया है. एंड एफ्लुएंस मीन्स चीज़ें बढ़ती जा रही है, ठीक है, मीन्स कम टाइम में ज़्यादा काम हो पा रहा है, ठीक है. तो मॉडर्नाइजेशन बेसिकली मशीन्स कह सकते हो, या फिर जो फ्रीडम आपको दी गई है, जैसे आप कुछ भी कर सकते हो, अपना डिसीजन ले सकते हो, अपनी ओपिनियन दे सकते हो, इनको भी आप डेवलपमेंट कहोगे. एंड इसी जो ह्यूमन से रिलेटेड डेवलपमेंट है उसे ही कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये है ह्यूमन डेवलपमेंट. एंड जो टर्म है डेवलपमेंट, वो ओवरऑल डेवलपमेंट को बताता है कि पूरी सोसाइटी की या फिर पूरी वर्ल्ड की डेवलपमेंट या फिर पूरी इंडिया की डेवलपमेंट. बट ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक टर्म इससे निकल के आई है कि जो मेनली फोकस करते हैं ह्यूमन पे क्या डेवलपमेंट आया है, ठीक है. तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की इन इंडिया पे, तो ये इंडिया के लिए क्या है? मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज. मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है कि एक तरफ नेगेटिव भी है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव भी है. अब ये कैसे? जैसे कुछ स्टेट्स हो गए जो मेट्रोपॉलिटन जो सेंटर्स है एंड जो अदर डेवलप्ड एनक्लेव्स है, जैसे आप मान लो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई एंड बाकी जो अदर इम्पॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स है एंड डेवलप्ड एनक्लेव्स है, उनमें क्या है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है. जैसे पानी भी मिलता है, वहाँ पर इतनी गरीबी भी नहीं है, पानी अच्छा है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है.
जबकि कुछ जो रूरल एरियाज है उसमें क्या है कि बेसिक एमिनिटीज भी नहीं मिल पाती, जैसे वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। तो ये इंडिया में क्या है, एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई डेवलपमेंट हुआ है, तो दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। तो इसी से ये जो टर्म है इनका मतलब है कि मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो लार्ज सेगमेंट ऑफ पीपल पॉपुलेशन इज ऑल्सो इन वर्स्ट सफरर्स, कैसे, जो कि फीमेल ज़्यादातर है, तो वहाँ पे क्या है कि गांव के एरियाज़ में फीमेल को ज़्यादा, फीमेल की पॉपुलेशन तो ऐसे भी बहुत कम होती है गांव में, एंड उसके अलावा देखा जाए तो फीमेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिलती, क्योंकि गांव के जो लोग हैं उनमें पुराने जो सोच है अभी तक बसे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया में क्या है, एज नेगेटिव भी डेवलपमेंट है एज वेल एज पॉजिटिव भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। सो There is yet another interrelated aspects of direct bearings. कैसे, अब interrelated aspects कैसे, अगर हम environment पे भी देखें तो development की वजह से क्या हो रहा है, environment जो है वो भी polluted हो रहा है, air, soil, water, as well as noise pollution, जब loud beats बजते हैं या फिर जब DJ box लगाए जाते हैं तो वो loud noise से क्या होता है, noise pollution, तो एक interrelated fact हम इसको कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे थ्री इंटर रिलेटेड डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज है। अब देखो सोशल कैपेबिलिटी जो है वो कैसे अफेक्ट होती है, अगर डेवलपमेंट होता है तो आपने सुना होगा डैम्स बनते हैं। अब डैम्स बनने के लिए क्या होता है कि लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, जिनकी वजह से उनकी जो लाइवलीहुड है या फिर उनकी जो एक बेसिक जो लैंड है वो चली जाती है, तो सोशल कैपेबिलिटीज इससे अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट एंड वीकनिंग सोशल टाइज, तो ये इंटर रिलेटेड हो गया, डेवलपमेंट तो हो रहा है बट उसके साथ साथ एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि सोशल कैपेबिलिटीज कम होते जा रहे हैं। दूसरा, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता जा रहा है, जितने फैक्ट्रीज होंगे उतने पोल्यूशन होंगे, जितने गाड़ीज की इन्वेंशन होगी, जितने कार्स लोग खरीदेंगे चलाएंगे उससे क्या होगा, ज़्यादा और पोल्यूशन बढ़ेगा इन द एयर एज वेल एज इन दी सॉइल एज वेल एज इन दी वाटर टू। थर्ड है पर्सनल कैपेबिलिटीज, जो कि इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डिजीज एंड एक्सीडेंट। तो डिजीज एंड एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं कैसे, क्योंकि जो पॉल्यूशन है उससे आपको पता होगा अस्थमा जैसे रोग होते हैं, अभी कैंसर रिसेंटली चल रहा है कि कैंसर हो जाते हैं, किसी को भी हो जाता है अभी, एंड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स या फिर कोई और वजह से, जैसे मोबाइल फोन्स हो गया तो उनकी वजह से क्या होता जा रहा है, लोग एडिक्टेड होते जा रहे हैं या फिर उनमें जो डिजीजेस की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो टेलीविजन के थ्रू जो होता है वीकनिंग आईसाइट्स हो जाते हैं बच्चों में, तो कुछ पर्सनल कैपेबिलिटीज भी है। तो ये तीन इंटर रिलेटेड जो प्रोसेस डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज को यहाँ पे शो किया गया है। अब देखो हर चीज को नापने के लिए कुछ ना कुछ बना होता है, ठीक है, तो वैसे ही डेवलपमेंट को नापने के लिए भी क्या बना है, यूएनडीपी। अब यूएनडीपी कोई कैलकुलेटर या फिर वैसा कुछ है नहीं, यूएनडीपी क्या है, यूएनडीपी मेनली एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या नापती है, डेवलपमेंट को। कि क्या खासियत है कि ये डेवलपमेंट लेवल को वर्ल्ड वाइड में नापती है, तो इससे हमें पता चलता है कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसी से हम पता लगाते हैं अबाउट द डेवलपमेंट। तो ये यूएनडीपी है जिन इन 1990 इन्होंने एक पब्लिकेशन किया था, तो मोस्ट सिस्टमेटिक इफेक्ट टुवर्ड्स दिस वाज द पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी। तो जो फर्स्ट रिपोर्ट निकली थी यूएनडीपी की वो 1990 में निकली थी, जिनमें डेवलपमेंट को नापा गया था। तो जो रिपोर्ट निकाली थी तो उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, यहाँ से आप देख सकते हो, ऑफ द वर्ल्ड बेस्ड ऑन कैलकुलेटर स्कोर। सो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1993 में रिपोर्ट निकाला था, क्या कहा था, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्रीज एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज अ मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, जिसकी बदौलत आप समझ सकते हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा
रहा है वो है डेमोक्रेटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। डेमोक्रेटाइजेशन क्या है? मीन्स डेमोक्रेसी देना, जहाँ पे लोगों को ये सुविधा मिले कि वो अपने ओपिनियन बता सके, वो अपने चॉइस पर्सनल ले सके, जो भी गवर्नमेंट आएगी उनके चॉइस की आ सके। एंड सेकंड इज एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, जहाँ पे पीपल को एम्पावर किया जाता है कि आप अपनी चॉइस ले सको, आप अपने डिसीजन पे चल सको, बेसिक एजुकेशन ले सको ताकि आप अपने पैर पे खड़े हो सको। तो दैट इज द मेन प्रोविजन, दैट आर टू प्रोविजन, दैट इज डेमोक्रेटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट टू शो दैट देयर इज ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे कि हमें पता है ये एक इंडिया की बुक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू द UNDP रिपोर्ट, इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.20 बिलियन एंड करेंटली देयर इज 1.3 बिलियन पीपल इन इंडिया, सो इज रैंक 134 अमंग 172 कंट्रीज। सो इंडिया की जो रैंक है वो 134 है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड HDI वैल्यू इज 0.546। तो यू कैन सी द टेबल हियर विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली प्रेजेंट इन दिस बुक, दैट इज नॉर्वे, इट इज़ द फर्स्ट कंट्री विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो टॉप थ्री कंट्रीज विद हाई HDI मीन्स वेयर ह्यूमन डेवलपमेंट रेट इज़ वेरी गुड इज नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स, वेयर एज इंडिया रैंक 134, सो इट इज़ वेरी लो। सो वाई, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड द लो HDI एंड द रीजन्स आर गिवन हेयर। फर्स्ट इज लैक ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स। लैक ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स मीन्स कि पहले यहाँ पे कॉलोनाइजेशन था एंड देन इम्पीरियलिज्म था, राजा का शासन था, उससे पहले ब्रिटिश इंडिया का शासन था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमन की जो राइट्स है वो कहीं कम रह गए, जो सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स थे वो पहले से ग्रो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इंडिया की जो रैंकिंग है वो कम है। सेकेंड थिंग जो ये सोशल कल्चरल फैक्टर्स, जैसे ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वायलेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एज यू नो देर इज कास्टिज्म इन द एंड देर इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन इन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट एंड सोशल प्रॉब्लम्स। सो ड्यू टू दीज प्रॉब्लम्स लाइक क्राइम्स, टेररिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन, द सोशल कल्चरल फैक्टर्स एफेक्ट्स द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट्स वाई द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज वेरी लो इन द वर्ल्ड। द थर्ड रीजन इज की पॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ स्टेट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, एम्पावरमेंट ऑफ सम फैक्टर्स दैट आर वेरी क्रूशियल इन द डिक्लाइनिंग। सो जो और एक रीजन हो सकती है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कम करने के लिए कहा जा सकता है वो है कि गवर्नमेंट, द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट इज नॉट फॉर इंडिया बट फॉर अदर कंट्रीज। इंडिया में तो डेमोक्रेसी है बट जिन कंट्री में डिक्टेटरशिप चलता है या फिर जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है उनमें बस एक ही पार्टी आती है, तो ड्यू टू दैट द डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल आर नॉट गिवन टू देम, ड्यू टू विच द डेवलपमेंट इंडेक्स गेट्स वेरी लो। सो ये जो तीन रीजंस है इट इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द अदर कंट्रीज हु स्कोर्स लो डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इंडिया के लिए आप कह सकते हो द हिस्टोरिकल फैक्टर्स एज वेल एज द सोशल कल्चरल फैक्टर्स आर द रीजंस। उसके बाद और भी कुछ इंडिकेटर्स है जिससे आप ह्यूमन डेवलपमेंट का पता लगा सकते हो एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो थ्री मेन इंडिकेटर्स है उनके बारे में। तो जो फर्स्ट इंडिकेटर है वो है इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट। इकोनॉमिक अटेनमेंट मीन्स इकोनॉमी में कितना अच्छा किया है इंडिया ने, तो हम इसकी इकोनॉमिक अटेनमेंट्स को देखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक अटेनमेंट्स है क्या। तो इकोनॉमिक अटेनमेंट्स बेसिकली ये है कि हमारे कंट्री में कितनी रिसोर्स है एंड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हो रही है, मीन्स रिसोर्स कितनी है एंड कितने लोगों को उन रिसोर्स की एक्सेस है। पर्टिकुलरली जो पुअर होते हैं या फिर जो डाउन ट्रोडन लोग होते हैं या फिर जो मार्जिनलाइज्ड पीपल होते हैं उनको, उनके लिए क्या होता है कि वो रिसोर्स को ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पाते। तो वही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखा जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन है या अनइवन है या फिर क्या रेशियो है। तो जो
दूसरी टर्म है जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स में यही कहा जाता है कि कितना हमारे कंट्री के पास है एंड कितना इसको लोग एसेस कर पा रहे हैं। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी क्या है इसको दर्शाने के लिए टर्म दिया गया है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इंडिया में अगर हम देखें तो जो एस्टिमेट जो जीडीपी है वो है 3200,000 crores एंड अकॉर्डिंगली पर कैपिटा इनकम वॉज 20,830। तो इंडिया में जो टोटल जो रिसोर्स है मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो एक वैल्यू लगाई गई है वो है 3200,000 crore एंड उसके हिसाब से अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो वो है 20,830। सो अपेरेंटली दिस फिगर्स आर रियली इम्प्रेसिव। ये एक अच्छा टर्म है, ये एक अच्छा अमाउंट है। तो इंडिया में काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जो कि डेवलप है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया। तो क्यों ये इतने डेवलप है? क्योंकि इनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 4,000 रुपये से ज़्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम मीन्स एक एवरेज ये होता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि एक एवरेज होता है कि हर लोग कितना कमाते हैं, ये उस स्टेट्स में पर लोग कितना कमाते हैं। तो ये एक रफ फिगर है जो कि 1980-81 में देखा गया था, तो वहाँ पे 4,000 था, ठीक है। एंड पर देयर आर बहुत सारी स्टेट्स है जो कि अभी भी बहुत पुअर है। वो कौन से स्टेट है? जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और काफ़ी सारे है जो कि क्या है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो लेस देन 2,000 है। तो पर कैपिटा इनकम के बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन पुअर है एंड कौन ज़्यादा डेवलप है। तो यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है दैट पॉवर्टी की मीनिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है। अब देखो पॉवर्टी का मीनिंग यही होता है कि जहाँ पे डिप्रीविएशन हो। पॉवर्टी मतलब आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप रिसोर्स को अफोर्ड कर सको, जहाँ पे आप अपनी हेल्दी रीजनेबल लाइफ ना जी सको या फिर जो आपकी बेसिक नीड्स है उसको आप खुद से पूरा ना कर सको, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं पॉवर्टी। तो दूसरा इंडिकेटर जो है वो है हेल्दी लाइफ। इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ, ऑफ हेल्दी लाइफ क्या है? देखो हेल्दी लाइफ इनकम से भी रिलेटेड है, आप इकोनॉमिक अटेनमेंट से भी इसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जब इनकम आएगा तभी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। तो इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ में क्या देखते हैं वो कि कितने जो है लोग इलनेस से मुक्त है, मीन्स जिनको डिजीज़ वगैरह कम है या फिर ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते या फिर जिनकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है, कितनों की लाइफ स्पैन ज़्यादा है, प्री एंड पोस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी, पोस्टनेटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो मिल सके, एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो आप देख सकते, आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे जो है वो मर जाते हैं जन्म के टाइम पे या फिर डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो जाती है या फिर माँ के कोख में ही उनकी मौत हो जाती है। तो उनकी वजह क्या होती है कि जो माँ है उनकी हेल्थ सही नहीं होती या फिर बच्चा बहुत वीक पैदा होता है तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता, तो वो ज़्यादा बच नहीं पाता, ठीक है। तो इसी हेल्दी लाइफ को ये देखते हैं कि कितने लोग जो है ज़्यादा लाइफ स्पैन है, कितनों की बर्थ रेट ज़्यादा, बर्थ रेट कौन कौन से स्टेट्स की ज़्यादा है, तो ये देखा जाता है। इंडिया में क्या है, आप कह सकते हो कि जो हेल्थ इंडिकेटर्स है लाइक डिक्लाइन इन बर्थ रेट फ्रॉम 0.1 per 1,000 in 1951 to 8.1 per 1,000। सो इंडिया ने जो है हेल्थ में बहुत अच्छा करके दिखाया है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत अच्छा है। अगर आप जेंडर स्पेसिफिकली की देखो तो इंडिया रिकॉर्डेड डिक्लाइन इन फीमेल सेक्स रेशियो एंड द फाइंडिंग्स ऑफ 2001 सेंसस ऑफ इंडिया वर वेरी डिस्टर्बिंग, पर्टिकुलर
सेक्स रेशियो बिटवीन 0 to 6 एज। तो मैं आपको बता दूँ तो पहले क्या था कि लड़कियों को मार दिया जाता था जिसकी वजह से जो फीमेल सेक्स रेशियो कम होता था, बट अभी की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो अच्छा है कि अभी इतना हत्या नहीं होता लड़कियों का। एंड जो केरल है उन्होंने बहुत एक्सेप्शन रिजल्ट दिखाया है इसमें, बट कुछ कुछ स्टेट जो है जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इनमें क्या है कि अभी भी जो फीमेल्स की संख्या है वो कम है। तो ये है हेल्दी लाइफ जो हेल्थ से रिलेटेड है, जिससे आप क्या देख सकते हो कि हेल्दी लाइफ है उससे डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर माना जाता है। तो इससे भी आप डेवलपमेंट का लेवल देख सकते हो। एंड साइड में आपका एक ये टेबल है जो हर इंडिकेटर के साइड में है एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आप यहाँ से देख के भी पता लगा सकते हो कि कौन से स्टेट्स जो है हेल्थ में अच्छा करते हैं, कौन से स्टेट्स जो है नहीं करते। तो इनसे आप डाटा को अच्छे से थॉरली चेक कर सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं इंडिकेटर और सोशल एम्पावरमेंट में। अब थर्ड जो इंडिकेटर है वो है सोशल एम्पावरमेंट। मैंने पहले ही चैप्टर से पहले ही बता दिया था कि डेवलपमेंट का फ्रीडम मतलब होता है, फ्रीडम के गहरा मतलब होता है, जिसका यहाँ पे भी दे रखा है, दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम हंगर, पॉवर्टी, सर्विट्यूड, बॉन्डेज। बॉन्डेज मीन्स जो बंधुआ मजदूरी कराते हैं उनको बॉन्डेज कहा जाता है। एंड इग्नोरेंस, इलिटरेसी, एनी अदर फॉर्म ऑफ डोमिनेशन जो भी होता है, इसमें क्या होता है कि इसको सोशल एम्पावरमेंट कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको भुखमरी, गरीबी, या फिर आपको खुद से डिसीजन लेने का, या फिर आप बंधुआ मजदूरी ना करते हो, तो इन सबसे अगर आप फ्री हो तो ही आप सोशली एम्पावर्ड हो। एंड फ्रीडम इन रियल सेंस इन टर्म ऑफ द टर्म इज पॉसिबल ओनली विद एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। तो ये 100% सच है कि अगर पीपल्स की पार्टिसिपेशन होती है तो ही वो कंट्री डेवलप हो सकता है। अगर आपके पास नॉलेज की एक्सेसिबिलिटी है, यहाँ पे और एक टर्म है नॉलेज की एक्सेसिबिलिटी है अबाउट द सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, तभी भी आप उसे डेवलपमेंट कह सकते हो, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, इंडिया नहीं कोई भी कंट्री हो, अगर उसमें एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज है तो ही वो कंट्री क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। अगर आप अगले पेज पे देखो तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज या फिर ये सब डाटाज दे रखे हैं जो कि आपके सोशल एम्पावरमेंट को दिखाती है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, यू हैव टू ओनली सिंपली रीड इट टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाएगा। तो उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडेक्स इन इंडिया। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंडिया की डेवलपमेंट की इंडेक्स की बात करें, बिकॉज दिस बुक इज़ बेस्ड ऑन इंडिया। तो इंडिया की बात करें तो केरल जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, बिकॉज उसकी जो रैंक है वो बहुत अच्छा है। बिकॉज इन द टर्म ऑफ एजुकेशन की जो 90.92% मीन्स 91% लिटरेसी रेट उन्होंने हासिल किया है। एंड उनकी जो वैल्यू है वो है 0.790 एंड प्लेस एट द टॉप रैंक फॉलोड बाई दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। तो इनके पहले कौन आता है, केरल। केरल जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है इन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट। एंड केरल की जो है highest value HDI largely due to its impressive performance in achieving near 100% literacy. तो जो 100% literacy के करीब उन्होंने जो अचीव किया है, इसके लिए उनकी जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बढ़ी है। तो केरल की बात यहाँ पे पहले की गई है। सेकेंड कौन सी बात की गई है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, ये जो है इकोनॉमिकली जो है डेवलप्ड है, जिसकी वजह से इनकी HDI वैल्यू बहुत बढ़ी है, क्योंकि इकोनॉमिक टर्म पे ये अच्छा है। फिर रीजनल डिस्टॉर्शन एंड सोशल डिस्पेरिटीज विच डेवलप ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कम टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन सोसाइटी। ये तो है, क्योंकि जब कॉलोनियल पीरियड टाइम था उसमें मुंबई जो है इंडिया, वेस्ट बंगाल जो है, दिल्ली जो है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। इसलिए क्या है, शायद उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो बाकी अदर स्टेट्स है। तो इसलिए क्या हुआ है कि जो HDI लेवल है वो उन्हीं की ज़्यादा है जो कि इकोनॉमिकली वेल है, जो कि एडुकेशनली वेल है, तो उनकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता
बताइए. नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. एंड ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. तो इसमें क्या कहा गया है इसको मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताती हूँ. पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की बात की गई है. तो यहाँ पे क्या कहा गया है बेसिकली कि जो डेवलपमेंट है एंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है. लोग अक्सर डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट से मिला देते हैं. क्यों? क्योंकि दोनों की जो मीनिंग है वो बेसिकली सेम है. अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे पर्टिकुलरली ह्यूमन की बात होती है, बट अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. बट जब ह्यूमन में उनको फ्रीडम दी जाती है, उनको चॉइस दिया जाता है, उनको फ्रीडम मिलता है कई सारी चीज़ों से जो कि मैंने पहले भी बहुत बार मेंशन किया है, जैसे पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, या फिर डिसीजन मेकिंग में जो अगर पावर दी जाए या फिर एम्पावरमेंट की जाए तो उनको हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट. एंड ये क्वेश्चन जो आता है काफ़ी बार आपको ये सेंटेंस दी जाती है, इनको एलाबोरेट करना होता है इस टर्म को. तो सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है, डिप्रीविएशन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट में आता है. मीन्स ये सब अगर ना हो तब हम कह सकते हैं कि ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई है. अगर डेवलपमेंट की ही बात हो रही है तो एनवायरनमेंट भी एक रिलेटेड टॉपिक है. क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो भी डायरेक्टली इफेक्ट होता है डेवलपमेंट से. ऐसे जब डेवलपमेंट होता है तब जो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में मिलता है उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंटल कंडीशन भी खराब होता है. एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है नियो मैल्थस के द्वारा कि वर्ल्ड में जो है वो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ डिमांड्स भी बढ़ते जा रहे हैं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम दोनों को मेंटेन करके चले, दोनों को बैलेंस करके चले, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनको भी रिसोर्स की आवश्यकता होगी. एंड अगर रिसोर्स ही कम पड़ जाए तो पॉपुलेशन कैसे सर्वाइव कर पाएगा. एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार देयर आर मेनी चेंजेस दैट आर बीइंग मेड आफ्टर 1993. कुछ अमेंडमेंट किया गया है जिसमें बोला है कि लोगों को ज़्यादा एम्पावरमेंट करना चाहिए, उनको प्रेजुडिस से बचाना चाहिए, एम्पावरमेंट करना चाहिए, तो अन प्रोग्रेसिव कुछ डेमोक्रेटाइजेशन करनी चाहिए. तो इसके बेस पे ह्यूमन डेवलपमेंट को और बढ़ाया जा सकता है. तो यही है तीन टॉपिक्स जिसमें तीनों चीज़ इंटर रिलेटेड है, डेवलपमेंट एज वेल एज एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमन डेवलपमेंट. तो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल. अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स फ्रॉम दिस चैप्टर यू कैन मैंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट मोर सच वीडियोज़. एंड थैंक Thanks for watching.